जय जिनेंद्र, मैं ज्योत्सना काला सेमेस्टर 7 से आचार्य कुनकुन द्वारा रचित उनके द्वारा लिखित समयसार गाथाचार का गंधर्व कर रही हूँ। समयसार ग्रंथ में चैतन्य तत्व की चर्चा की गई है। इस गाथा में आचार्य देव कहते हैं कि इस जीव ने काम भोग बंधन की कथा तो अनादि से सुनी है, उनके समय में भी ये सारी बातें सुलभ थी। पर एकत्व मतलब अपने में एकत्व, अपने से अभिन्न और विभक्त, अपने से भिन्न आत्मा की बात हमने कभी सुनी ही नहीं। मोह रूपी भूत के वशीभूत हर जीव यहाँ मोह के वश उसका ही कार्य कर रहा है और तृष्णा से व्याकुल यह जीव इंद्रियों में ही सुख खोज रहा है। और आश्चर्य की बात तो यह है कि यहाँ सभी एक दूसरे को सुख का मार्ग बताते हैं। आगे कहते हैं कि ये जो काम भोग बंधन की कथा है और जीव ये समझता है कि उसे भोग का सुख मिल रहा है, उसमें वास्तव में जो रस है वो राग का है, भोग का नहीं। और वास्तविक भोग भी राग का है, पुद्गल का नहीं। यहाँ पर जयसेन आचार्य भी काम शब्द को स्पर्शन और रसना इंद्रिय में विषय करा कर कहा, जो जीव इसमें रचा पचा रहता है और भोग शब्द को घ्राण चक्षु एवं कर्ण इन तीनों इंद्रियों को सूंघना, गलत देखना, गलत सुनना के अर्थ में लिया, इस प्रकार काम भोग कथा का अर्थ पंचेंद्रिय विषयों की कथा हो जाता है। आचार्य अमृतचंद, पंडित जयचंद जी छाबड़ा सभी एक ही बात को अलग अलग तरीके से समझा रहे हैं। गाथाचार के मुख्य बिंदु इस प्रकार है। इस जीव ने काम भोग बंधन की कथा तो अनंत बार सुनी है, पर अपनी आत्मा की बात कभी सुनी ही नहीं। जैसे प्रवचन सुनने में किसी का मन लगता ही नहीं, और जहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम की बात आती है वहाँ भीड़ लग जाती है। काम भोग बंधन की कथा सरल लगती है और आत्मा की कथा कठिन। जीव अनादि से राग के वश पंच परावर्तन कर रहा है। मोह के वश यह जीव बेल के समान जुता हुआ है। तृष्णा के वशीभूत यह जीव इंद्रियों में सुख की कामना करता है और उसी में सुख तलाशता है। सभी एक दूसरे को इस विषय में आचार्य तत्व करते हैं, एक दूसरे को समझाते हैं, प्रेरणा देते हैं। काम भोग बंधन में जो वेदन है वो पुद्गल का नहीं बल्कि राग का है। आचार्य देव हमें यह सिखाना चाहते हैं कि हमें अपने अमूल्य समय को आपसी चर्चाओं में जो काम भोग और बंधन की कहानियों पर आधारित होती हैं व्यर्थ नहीं करना चाहिए। यद्यपि यह सत्य है कि एकत्व और विभक्त आत्मा के रहस्यों को समझना सरल नहीं है, क्योंकि इस कलयुग में ऐसे ज्ञानदाताओं का मिलना जुगनू की चमक के समान दुर्लभ है, परंतु यह बिल्कुल असंभव भी नहीं है। निसंदेह यह ज्ञान प्राप्त करना कठिन अवश्य है। इसी एकत्व और विभक्त निज आत्मा की बात को सुलभ बनाने के उद्देश्य से आचार्य देव ने समयसार ग्रंथ की रचना की। जो व्यक्ति इस दुर्लभ संसार और शुद्धात्मा को समझकर उसमें स्थिर हो जाते हैं, उनके लिए समयसार ग्रंथ सहज हो जाता है। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।